अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे उम्मीद है। और आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो कुछ लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत बोरिंग होगा। एक्चुअली मैं विंटर की वेजिटेबल्स लगाने की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियो बनाई जाए और सबको गाइड किया जाए। तो ये कुछ क्यारियाँ हैं जो मैंने सेट की हैं। वैसे तो बाबा को बहुत शौक है, वही करते हैं। इसमें खुश्क मट्टी थी और उसके ऊपर ये खाद डाली हुई है, ऑर्गेनिक, इसको ऑर्गेनिक कंपोस्ट बोलते हैं। और इसको मट्टी के ऊपर डाल के रखा हुआ है और उसको पानी दिया हुआ है। जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको मट्टी में मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें सब्जियां लगाई जाएंगी। वैसे अगर आप लोग ये नहीं लेना चाहते तो आप बाज़ार से मिल रहे हैं आजकल ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी मिल जाता है, और दूसरा कोकोपीट और मूस पीट भी मिल जाता है। कोकोपीट जो होता है वो कोकोनट का जो ऊपर वाला खोल होता है उसको पीस के और उसका पाउडर बनाया जाता है, वो भी पौधों के लिए बहुत अच्छा है। उसको कोकोपीट के नाम से आप बाज़ार से ले सकते हैं। और जो दूसरा है वो म्यूज पीट है, उसमें भी ऑर्गेनिक तरीके से फर्टिलाइजेशन के लिए खाद बनाई हुई है, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। ये मेरा छोटा सा गार्डन है तो इसी में हम लोग वेजिटेबल्स लगाने का सोचे हैं। एक्चुअली यहाँ पर धूप नहीं आती तो इसलिए ये वाले एरिया जो है ना, यहाँ कुछ नहीं उगाया जा सकता, बस बड़े पौधे ही लगाए जा सकते हैं। और इस तरफ धूप आती है अच्छी, लेकिन हम लोगों ने इस दफ़ा सब्जियां लगाने का सोचा है गमलों के अंदर और क्रेट्स के अंदर और इन क्यारियों के अंदर। तो इसलिए मैं आज ये प्रिपरेशन कर रही थी तो सोचा कि वीडियो बना लूं और सबको गाइड करूं, ताकि हर कोई अपने लिए थोड़ी थोड़ी किचन गार्डनिंग करे और उसका फ़ायदा उठाए। ये मेरा लीमू का प्लांट है, इसमें छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये देखिए छोटे छोटे लीमू लगे हुए हैं। और दूसरी बात, ये अंजीर का पौधा है और इसकी जड़ें पूरे लॉन में फैली हुई हैं, और ये इसके बेबी प्लांट्स हैं, इसके जगह जगह बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं। तो अगर किसी को गिफ्ट चाहिए अंजीर का बेबी प्लांट तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और उसको मिल जाएगा। और ये लीमू का बेबी प्लांट है, जब कोई पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके बेबी प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा बाबा और मैं तो ये बेबी प्लांट्स लोगों को गिफ्ट कर देते हैं। ये प्रिपरेशन हो रही है सब्जियों की, वही खाद और मट्टी मिक्स है। इसको हम लोगों ने खुश्क मिट्टी के ऊपर खाद डाल के पानी लगाया हुआ है। अब ये दो तीन दिन तक मिक्स हो जाएगा और सूख जाएगा, फिर इसको मिक्स करके और हम अपने गमलों में डाल देंगे और उसके बाद बीज लगाएंगे। विंटर की जो सब्जियां होती हैं मोस्टली उनको अक्टूबर के स्टार्ट में लगाया जाता है, जब रूम टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता ना, मतलब कि हर तरफ रूम टेम्परेचर जितना टेम्परेचर होता है 25 डिग्री या इसके राउंड अबाउट। तो ये भी वही प्रिपरेशन हो रही है भाई। यहाँ पे मैं पेंट करना चाह रही हूँ, वो भी मैं आपको फाइनल लुक इसी व्लॉग में दिखाऊंगी कि उसके बाद यहाँ पे क्या लुक आती है। और आप लोग मुझे सजेशन में भी बताइएगा कि किस कलर का पेंट होना चाहिए इस दीवार पे। और बाकी ये बाबा ने बेबी प्लांट्स निकाल के रखे हुए हैं, ये इसके, ये एक मेखल पीपल है, बाहर से लाए थे वो, और ये भी शायद पीपल ही है। ये भी किसी को गिफ्ट करने के लिए रखे हुए हैं, बाबा को प्लांट्स का बहुत शौक है, तो वो जो भी कहीं भी प्लांट को छोटा मोटा उगा होता है ना, उसे उन्हें पता होता है कि ये ख़राब हो जाएगा, तो वो उसको घर ले आते हैं, उसको फिर बड़ा करते हैं। मेरे पास चमेली के भी बेबी प्लांट्स हैं और अंजीर के भी हैं, तो अगर किसी को भी चाहिए हो तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर गिफ्ट करूँगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने तैयारी करके रखी हुई है, ये गमले हैं, इनको मैंने वॉश करके रखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉश करके मट्टी शट्टी इनकी निकाल के, अब इसके बाद इनको वही ऑर्गेनिक खाद वाला और मट्टी वाला सारा जो मिक्सचर है वो इसमें डाल के, और फिर उसके बाद इसमें बीज लगाए जाएंगे और इंशाल्लाह उसका भी ब्लॉग बनाया जाएगा, लेकिन वो अक्टूबर के सेकेंड वीक में इंशाल्लाह हम लोग लगाना स्टार्ट करेंगे। और आपके घर में अगर धूप नहीं आती तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप क्रेट्स में और गमलों में सब्जियाँ लगाएँ, और सिर्फ 4-5 घंटे के लिए धूप चाहिए होती है हर पौधे को, तो आप उन गमलों को 4-5 घंटे धूप में रखें, जब मॉडरेट धूप हो, फुल तेज़ नहीं, तो सब्जियां क्योंकि ज़्यादा नाजुक होती हैं, मॉडरेट धूप में आप 4-5 घंटे रखें उनको और उसके बाद उठा के आप साए में रख दें, तो गमलों में सब्ज़ी लगाने का फ़ायदा यही होता है। तो इंशाल्लाह मेरा भी इस दफ़ा पहला एक्सपीरियंस है, पहले बाबा लगाते थे तो वो तो ज़मीन में ही लगाते थे, लेकिन इस दफ़ा ट्राई करना गमले में और इन क्यारियों में, तो देखें क्या होता है। विंटर की सब्जियां जो होती हैं वो बड़ी टेस्टी होती हैं और बड़ी अच्छी होती हैं, इसलिए मुझे विंटर की सब्जियां बहुत पसंद हैं। उनमें शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और टमाटर वगैरह ये चीज़ें भी लगाने की कोशिश करेंगे,
लेकिन अभी मुझे आइडिया नहीं है कि वो होंगी या नहीं। और ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मैं अपलोड करूँगी जैसे ही ये सारी प्रिपरेशन ख़त्म हो जाएगी और सब्ज़ियों के बीज आ जाएंगे और वो लग जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कहना चाहती थी, वो ये कि अगर आपके घर में बड़ा गार्डन नहीं है तो आप लोग गमलों में स्टार्ट करें। लेकिन ये गार्डनिंग जो है ना, ये एक ऐसा एक पॉइंट है लाइफ का कि आप अगर स्टार्ट करते हैं ना, बेशक आपके पास 2-3 गमले, आप उन्हीं में काम करते हैं, उन्हीं पौधों को देखते हैं, उनसे उनकी देखभाल करते हैं, तो आपका इतना स्ट्रेस रिलीज़ होगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लांट्स भी दोस्त होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इस चीज़ को अप्लाई करके देखें। 2-3 गमलों में पौधे लगाना शुरू करें, उनकी देखभाल करें, उनको देखें कि वो कैसे बढ़ते हैं, फिर आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।